हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आसुस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 नहीं M2 के बारे में। तो नेक्स्ट मंथ में शायद M2 लॉन्च होने वाले हैं, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन लीक हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हो सकता है आसुस के जेनफोन मैक्स प्रो M2। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ यहाँ पर बैटरी में कुछ इम्प्रूव देखने को शायद मिल सकता है। तो बैटरी के बारे में कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक हुआ नहीं, बट कुछ ज़्यादा हमको एमएच वाले बैटरी मिल सकता है। और एमोन के बारे में बात करें तो कैमरा उतना भी खास नहीं था, बट यहाँ पे जो M2 आने वाला है वहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्रंट मेगापिक्सल 20 मेगापिक्सल, और बैक का कितना है यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला है इन्फॉर्मेशन, बट कैमरा पे काफ़ी सारा इम्प्रूव आपको देखने को मिल जाएगा। और फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें तो बैक में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्क्रीन के ऊपर मिलेगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो देखते हैं शायद M2 यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इम्प्रूव होके आने वाला है। और यहाँ पर डिस्प्ले की बात करें तो आसुस के जेनफोन मैक्स प्रो M1 के डिस्प्ले जो नॉच वाला डिस्प्ले नहीं था, बट M2 में नॉच वाला डिस्प्ले आपको मिल जाएगा, और डिस्प्ले भी शायद थोड़ा सा और भी बड़ा हो सकता है और देखते हैं। बट यहाँ पे कंपनी ने कहा है बहुत सारे इम्प्रूव होके M2 आने वाला है। तो यहाँ पे प्राइस मुझे लगता है 15 के आसपास तो हो सकता है। और जेनफोन मैक्स प्रो M2 के बारे में और मुझे लगता है बैटरी शायद 5.5 mAh का तो हो सकता है। M2 M1 कुछ ज़्यादा ही इतना बैटरी नहीं मिला था, 5000 था, बट इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला था। बट यहाँ पर M2 में आपको बहुत सारे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। शायद नेक्स्ट मंथ में ये फ़ोन लॉन्च हो जाए, तो देखते हैं M2 में क्या स्पेशल स्पेसिफिकेशन है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए आप M2 को अभी वेट कर रहे हो या नहीं, या जो पिछला वाला था आसुस जेनफोन मैक्स प्रो M1 आप उस फ़ोन में सेटिस्फेक्शन हो या नहीं, तो इस वीडियो में मुझे बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।